मरुधर केसरी पूज्य प्रवर्तक श्री मिश्री मलजी महाराज साहब, जिनकी 131वीं जन्म जयंती पूरे देश भर के अंदर श्री संघों के तत्वावधान में आयोजित की जा रही है। श्रद्धे मरुधर केसरी जी महाराज, जिनका जन्म विक्रम संवत 1948 श्रावण शुक्ला चतुर्दशी के दिन पिता शेषमल जी मेहता और माता श्रीमती केसर देवी मेहता, ऐसी महान विभूति का जन्म इन दोनों पति पत्नी के आंगन के अंदर, घर आंगन के अंदर उनका होता है। लेकिन बहुत सारे महापुरुषों के साथ ऐसी घटनाएं जुड़ी हुई हैं। केवल मात्र 5 वर्ष की अवस्था में उनके माता का वियोग हो जाता है और 13 वर्ष की अवस्था में स्वयं उनको चेचक, टाइडफाइड और निमोनिया जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं। आप कल्पना करें कि टाइडफाइड, निमोनिया, चेचक उस जमाने में जब विज्ञान इतना तरक्की पर नहीं था, डॉक्टरी व्यवस्थाएं अच्छी नहीं थी, लेकिन उस समय में बच जाना ये अपने आप में आश्चर्य है। जीवन में कई बार वैराग्य का कारण बनता है कुछ ऐसा निमित्त जो जीवन को झकझोर देता है। उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ। ये गंभीर बीमारियां देखने के बाद कहीं ना कहीं संसार की अस्थिरता, नश्वरता, परिवर्तनशीलता, इन सब को देख करके मन में वैराग्य होता है और संयम के पथ पर बढ़ने का एक दृढ़ संकल्प लेकर के वो आगे बढ़ते हैं। मैं सब बातें संक्षेप में कह रहा हूँ। विक्रम संवत 1975, विक्रम संवत 1975 का समय आता है और अक्षय तृतीया जैसे शुभ अवसर पर सोजत नाम के शहर में उनकी जैन भागवती दीक्षा अपने गुरु बुद्धमल जी के चरणों में संपन्न होती है। गुरु का सानिध्य मिल गया, मन में वैराग्य था, दीक्षा हो गई और अपने आप को पूर्ण रूपेण गुरु सेवा और ज्ञान ध्यान में समर्पित कर दिया। आगमों का गहरा अध्ययन किया, थोकड़ों की जानकारियां बढ़ाई, भाषाओं की दृष्टि से हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, गणित, ज्योतिष आदि अनेक विषयों की जानकारी आपने प्राप्त करी। जब आपकी प्रतिभा ऊंचाइयों पर पहुंच गई तो आपने अपने ज्ञान के द्वारा समाज को कुछ लौटाना प्रारंभ किया। आपने साहित्य सृजन के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए। आपने महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक, कहानियां, नाटक, निबंध और कर्म ग्रंथ जैसा उत्कृष्ट ग्रंथ, पंचवत्थु संग्रह और जैन रामायण, जैन महाभारत जैसे सुंदर अनुपम ग्रंथ संघ समाज को आपने प्रदान किए। ये आपकी बहुत बड़ी साहित्यिक सेवा थी जो आपने लेखन और संपादन करके सरस्वती के भंडार में एक अपूर्व वृद्धि करने का सुंदर काम आपके द्वारा हुआ। और आपने अपने जीवन काल में धार्मिक और सामाजिक लगभग 400 संस्थाओं का निर्माण कार्य करवाया। 400 संस्थाओं का निर्माण कार्य, जिसमें स्कूलों का, विद्यालयों की प्रेरणा, छात्रावास जिसे हम हॉस्टल कहते हैं, इनका निर्माण, पुस्तकालयों का निर्माण, जैन स्थानकों का निर्माण, अस्पताल, डिस्पेंसरियों का निर्माण और गौशालाओं का निर्माण, ऐसी अनेक प्रकार की संस्थाओं का निर्माण आपने उस काल, उस समय में करवाया जब संस्थाओं के निर्माण की प्रेरणा देने में साधु समाज झिझकता था। झिझकता इसलिए था कि एक बात जुड़ी हुई थी, संस्था बनवाएंगे तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आरंभ समारंभ होगा, लेकिन प्रगतिशील विचारधारा के साधु समाज ने समय समय पर इन सब बातों को दरकिनार करके प्रेरणाएं देकर के समाज को जागरूक किया, समाज को प्रेरणाएं दी कि नहीं,
आत्म साधना अपने स्थान पर है, लेकिन व्यवहार दृष्टि से सामाजिक क्षेत्र में योगदान देना भी आप ग्रस्तों का कर्तव्य है। तो ग्रस्तों को अपने कर्तव्य के प्रति उन्होंने सचेत किया, और जब भी कोई राष्ट्र पर आपत्ति आई, सूखा पड़ा, भूकंप आया, या व्यक्तिगत लोग संकट और परेशानी में थे, तो उनकी भी सहायता करवाने में आपने संकोच नहीं किया। आपका स्वभाव दया और करुणा से भरा हुआ था। कोई भी प्रसंग ऐसा हो जहां दया करुणा की बात आए या टकराव को टालने की बात आए, आपकी करुणा आगे रही। आपने उस समय किसी प्रकार की दुविधा या संशय अपने मन में आने नहीं दिया। बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और मैं तो उसको केवल मात्र दोहरा रहा हूँ कि आपके करुणाशील व्यक्तित्व का दर्शन लोगों को बिलाड़ा के अंदर हुआ। बिलाड़ा में आप विराजमान थे, बाण गंगा जो पास में एक नदी है, जो बरसाती नदी है, वहाँ आप शौच की क्रिया के लिए अक्सर जाया करते थे। एक बार आप शौच की क्रिया के लिए बाण गंगा की ओर गए, और जब आप लौट करके आ रहे थे तो एक मुस्लिम नवयुवक ने आपके ऊपर लाठी का प्रहार किया। लाठी का प्रहार किया, आप घायल हुए, शरीर के कुछ हिस्सों से खून बहने लगा, चादर चोल पट्टा खून से कुछ कुछ सनने लगा और दाग पड़ने लगे। आप उसी हालत में अपने आप को अपने मनोबल के द्वारा संभाल करके जैन स्थानक तक पधारते हैं। वहाँ आते हैं, संतों ने देखा, सबको चिंता हुई, श्रावकों ने देखा, उनको भी चिंता हुई। सर्वप्रथम आपके घावों को देखा गया, कपड़े बदलवाए गए, आपकी स्थिति को पहले संभाला। ऐसा पढ़ने सुनने में आता है कि उस समय रूपचंद जी महाराज साहब जवानी में थे, उनको मालूम पड़ा तो खून खोल गया, गुस्से से भर गए, नाम बताओ किसने किया, क्या किया, मैं जाता हूँ, देखता हूँ। लोगों में भी रोष, लेकिन उस गंभीर व्यक्तित्व के धनी दूरदृष्टा महान संत ने देखा कि मेरे कहने के बाद दो वर्गों में संघर्ष बढ़ जाएगा, दो वर्गों में संघर्ष बढ़ जाएगा, और व्यक्तिगत उस व्यक्ति पर क्या बीतेगी, क्या होगा, ये कल्पना करके साइलेंट रहे, चुप रहे, सबको शांत किया। बदले की भावना नहीं लानी, समय बहुत बड़ा बलवान है, अनेक प्रकार से कहके शांत किया, और वो नाम प्रकट नहीं किया। लेकिन श्रद्धे मर्धर केसरी जी महाराज ने कुछ गंभीर लोगों के द्वारा उस व्यक्ति तक संकेत करवा दिया कि शायद तुम्हारा नाम लंबे समय तक छुप ना पाए, तो हो सके तो बिलाड़ा छोड़ के इधर उधर चले जाओ। वो व्यक्ति चला जाता है, जान सबको प्यारी है, लेकिन उस महान संत ने तो अपनी सहनशीलता के द्वारा एक आदर्श कायम किया, सामने वाले के हृदय में एक संकेत कर दिया, तूने तो गलती करी सो करी, लेकिन ऐसे लोगों को क्षमा दे करके उनके हृदय में कहीं ना कहीं कचोट, एक हृदय परिवर्तन, भावों में परिवर्तन और अपने आप में पश्चाताप की भावना वो मन में आती है। ये आपका उदार दृष्टिकोण था, ये आपकी दया और करुणा का एक विशेष उदाहरण है। ऐसा ही एक घटना प्रसंग मिलता पुष्कर के निकट। पुष्कर के निकट गनहेड़ा नाम का कोई गांव है, वहाँ पर आमतौर पर साल में विशेष अवसर मेला भरता था, और अनेक वर्गों के लोग वहाँ आकर के बकरों की बलि दिया करते थे। जब आपको मालूम पड़ा, लोगों को समझाया, उस स्थान के प्रमुख व्यक्तियों को समझाया, और समझाइश का परिणाम ये निकला, गनहेड़ा नाम के स्थान पर जो बलि प्रथा थी आपने उसको बंद करवा दिया। संपूर्ण जीवन काल में 35 स्थानों पर बकरों की बलि को बंद करवाया। अपार दया और करुणा का परिणाम कि इस प्रकार का उत्कृष्ट कार्य आपने करके दिखाया। और इसी के साथ साथ
जो हमारे और आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण बात है कि आप जो है संगठन के सजग प्रहरी रहे, संपूर्ण जीवन संगठन के सजग प्रहरी रहे। और मैं ये कहूँ तो इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है, श्रमण संघ के निर्माताओं में आपका नाम अग्रणी पंक्ति में लिया जाता है। आपने प्रैक्टिकल अनेक काम करके श्रमण संघ के संगठन को मजबूती देने का काम किया। जब श्रमण संघ अपने निर्माण की प्रक्रिया में चल रहा था तो आपने जहाँ जहाँ रुकावट और बाधाएं थी, और बाधाएं श्रावक समाज की ओर से तो विशेष नहीं थी, केवल थी तो थोड़ी बहुत प्रबंध और व्यवस्था को लेकर के थी, लेकिन जहाँ जहाँ पर आपको ये लगा फला संप्रदाय के प्रमुख साधु आते आते रुक रहे हैं, संकोच कर रहे हैं, या कोई द्विधा मन में है, आप आगे बढ़ बढ़ के गए, पर्सनल बात करी, अंतरंग में बात करी, उन बाधाओं को दूर करके सबको आने के लिए कहा। और उन सब की अंतिम प्रणति ये रही कि 1952 में श्रमण संघ का निर्माण हो पाया। उसमें एक विशेष आहुति, विशेष सहयोग आपके द्वारा संघ को प्राप्त हुआ। इतिहास साक्षी है, इतिहास में लिखा है कि सादड़ी का सम्मेलन हो या सोजत का, या भीनासर का हो या अजमेर का, या सांढेराव आदि स्थानों पर जो भी संगठन के काम हुए उसमें श्रद्धे मर्धुर केसरी जी महाराज ने अग्रणी भूमिका निभाई और अनेक प्रकार की प्रबंधकीय व्यवस्थाएं करी और संतों को साधने का काम आपने किया। और उसका परिणाम ये रहा कि वह संगठन अच्छा, व्यवस्थित, मजबूत बनाने का काम आपने किया। तो आपने संगठन, संघ संचालन, सुव्यवस्थाओं में आपका भरपूर योगदान मिला और आपने नींव के पत्थर की तरह काम किया। नींव के पत्थर को दुनिया नहीं देखती, दुनिया कलश को देखती है, ऊपर को शीर्ष को देखती है, लेकिन आप बिना आचार्य के भी संगठन के लिए भरपूर काम लगातार करते रहे। और एक ही शब्द में कहूँ तो आपका जीवन सर्वतोभद्र जीवन रहा है। सर्वतोभद्र कहते हैं जहाँ से भी देखो, जहाँ से भी आकलन करो, भद्र कल्याणकारी ही है। हजारों हजारों परिवार जो राजस्थान में सूखे वाले क्षेत्र में थे, काम धंधे उतने बढ़िया नहीं थे, लेकिन वो मंगल पाठ सुन के दक्षिण भारत में गए और आज चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद जैसे अनेक शहर आपकी कृपा प्रसाद से बसे हुए हैं, जहाँ हजारों लोग रोजी रोटी कमा रहे हैं और आपके नाम के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो आप श्रमण संघ में समय समय पर अनेक पदों पर रहे, श्रमण संघ में आप मंत्री के पद पर रहे और आपने मंत्री के दायित्व को निभाया। आप आशु कवि थे, शीघ्र कविता बनाने वाले, आप काव्य रचना करने वाले थे। समय आने पर श्रमण संघ के आप प्रवर्तक रहे, संघ ने आपके कार्यों को देख करके आपको संघ में भीष्म पितामह कहा, मर्धर केसरी कहा, श्रमण सूर्य कहा, जैन गौरव कहा, राजस्थान केसरी कहा और दिव्य विभूति कहा। ऐसे महान गुणों के आगर, महान गुणों का भंडार, ऐसे श्रद्धे मर्धर केसरी जी महाराज साहब का जीवन आपके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए आदरणीय, पूजनीय, सम्मान्य बन गया। और आज भी हम उनको बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ, उनकी जन्म जयंती हो, पुण्यतिथि हो या कोई भी अवसर हो, बड़े श्रद्धा भाव के साथ स्मरण करते हैं। इसी के साथ मैं कुछ समय के लिए चर्चा करूंगा श्रद्धे प्रवर्तक श्री रूपचंद जी महाराज साहब की पावन जन्म जयंती के अवसर पर उनके जीवन की प्रमुख रेखाओं को और खास प्रसंगों को। आप सभी, आपने दर्शन किए हैं, आपके शहर में उनकी दीक्षा हुई है, आपके शहर में चातुर्मास किए हैं, आप सब परिचित हैं, फिर भी प्रसंग है तो चर्चा करना बनता है। पूज्य प्रवर्तक शेरे राजस्थान अहिंसा दिवाकर, श्रद्धे श्री रूपचंद जी महाराज की आज पावन जन्म जयंती का पावन प्रसंग आपके हमारे सामने है। उनका जन्म श्रावण शुक्ला दशमी के दिन
विक्रम संवत 1985 में नाडोल में हुआ। नाडोल जो कि यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, सभी लोग उस स्थान से परिचित हैं। आपकी माता मोतीबाई, पिता भैरूपुरी गोस्वामी, भैरूपुरी गोस्वामी, गोस्वामी परिवार से आपका संबंध था। उस परिवार में आपने जन्म लिया और जन्म का नाम था रूपपुरी। रूपपुरी जो है आपका नाम था और आपकी दीक्षा आपके इधर शहर जोधपुर में आपकी दीक्षा हुई। और आपकी दीक्षा माघ शुक्ला त्रयोदशी विक्रम संवत 1999 में, विक्रम संवत 1999 में आपकी दीक्षा हुई। तब आपकी उम्र 14 वर्ष की थी। 14 वर्ष की बाल वय में आपने दीक्षा ली और आपके दीक्षा गुरु स्वामी श्री मोतीलाल जी महाराज थे। मोतीलाल जी महाराज के चरणों में दीक्षा ली, लेकिन शिक्षा गुरु थे मरधर केसरी पूज्य श्री मिश्री मल जी महाराज, जो स्वयं विद्वान थे और आपको भी विद्वान बनाने का भरसक प्रयत्न करा। और आपकी बुद्धि बड़ी अच्छी थी और आपने बहुत कुछ ज्ञान अपने जीवन में अंगीकार किया। और आपकी प्रेरणा से आपके अपने जीवन काल में 170 संस्थाओं का निर्माण हुआ और वह 170 संस्थाएं देश के अनेक हिस्सों में लगातार गतिशील हैं और लगातार उनमें काम चलता है। इस आपकी स्मरण शक्ति बड़ी शार्प थी, बहुत अच्छी याददाश्त थी और पढ़ते समय आपका एकाग्रता, पढ़ने में पूरा ध्यान आपका लगातार बना रहता था। जवानी में एक तरफ आपने ज्ञान की आराधना करी तो दूसरी ओर तप की आराधना भी करी। छोटी बड़ी अनेक प्रकार की तपस्याओं की आपने आराधना करी और आपने हमेशा बड़ों की सेवा का ध्यान रखा, बड़ों की विनय करी, बड़ों का आदर करा, बड़ों की सेवा लगातार करी और आपने अपने बड़े संतों की सेवा में अपने आप को समर्पित बना करके रखना। और समय आने पर आप शिष्य तो नहीं रहे, लेकिन आपने ऐसी जिम्मेदारी स्वीकार भी करी और संघ समाज और गुरुओं ने आप पर ऐसी कृपा करी कि आप मरधर केसरी जी महाराज के उत्तराधिकारी बन ही गए। और उत्तराधिकारी का जो जिम्मा होता है, जो कार्य संचालन होता है, वो आपने संपूर्ण जीवन उसको भली प्रकार से निभाने का आपने काम किया। शासन की प्रभावना हो, स्थानकवासी समाज का कोई कार्य हो या श्रवण संघ में कोई बाधा हो, आपने बिना किसी दिक्कत के उसको हल करने में अपनी ताकत को लगाया और जनहित के काम, परोपकार के काम, सेवा के काम, चैरिटी के काम आपने भरपूर करवाए। काव्य रचना में आपकी विशेष रुचि थी। किसी की दीक्षा जयंती, जन्म जयंती, पुण्यतिथि हो या कोई अन्य शुभ प्रसंग हो, आप अपनी पंक्तियां रच करके वहां भेजने का काम सहज रूप से किया करते थे। और आपने इस प्रकार काव्य रचना में अनेक प्रकार के काव्य की रचना आपने की है। और आप जन भाषा में प्रवचन देते थे। जन भाषा का मतलब ये है कि हिंदी में जब आप मारवाड़ मेवाड़ में हो तो आप मारवाड़ी मेवाड़ी में बोलते थे, हिंदी का कम प्रयोग करते थे, लेकिन प्रसंग आया तो हिंदी भी बोलते थे लेकिन हिंदी कम बोली, मारवाड़ी मेवाड़ी का प्रयोग आपने अपने जीवन काल में ज़्यादा किया। आपकी पुनवानी ऐसी थी कि आपके जीवन काल में 36 कौम आपके सानिध्य में आती थी और 36 कौम की आप बात सुनते थे। आपका दरबार जन दरबार की तरह लगता था, आम दरबार की तरह लगता था। हर कोई आता था, बैठता था, दर्शन करता था, मंगली देते थे और सबके सुख दुख को भी सुना करते थे और सुख दुख को सुन के यथासंभव उनकी समस्याओं का समाधान आप किया करते थे। आपकी पुनवानी इतनी प्रबल थी कि आपके जीवन काल में आदेय नाम कर्म का उदय बना रहा। आदेय नाम कर्म, आदेय नाम कर्म का मतलब है कि मुख से आप कुछ निकालें और सामने वाला ना कर दे, मतलब ही नहीं। तैत महाराज जी महाराज जो आज्ञा की और काम पे व्यक्ति लग गया।
जितना दान बोला दान देने को व्यक्ति तैयार हो गया। जो संस्था का निर्माण करवाना है फला फला तुझे ये करना है, हो जाएगा महाराज। तो ये आपका आदेय नाम कर्म था। अब जिनका आदेय नाम कर्म का उदय नहीं होता वो तो कहते हैं कि फला को बोलूं या ना बोलूं, मानेगा या नहीं मानेगा, कहीं मेरी बात उल्टी ना पड़ जाए। तो वहाँ ऐसा नहीं था, वहाँ तो संघ हो समाज हो सब हाथ जोड़ के खड़े रहते, जो महाराज की आज्ञा। और आप लोग भी जो है छोटे महाराजों को दबा लेते हो, बड़े महाराजों से आप भी दबते हो, वहाँ आप लोग भी जी महाराज तहत महाराज करते हो। तो इस प्रकार उनका आदेय नाम कर्म का उदय ऐसा था कि वह जो आज्ञा देते थे, चाहे व्यक्ति को दें चाहे समाज संघ को दें, वह सब उनकी बात को माना करते थे। वचन सिद्धि भी थी कि जो बात मुख से निकाल दी निकल गई वो घूम फिर करके पूरी हो जाया करती थी। और एक उपकार और किया करते थे, जो एक आधा प्रसंग मैंने भी देखा और कईयों से सुने भी हैं, किसी को कर्म के उदय से ओपरे पराए की कोई शिकायत हो गई तो वहाँ गारंटीड इलाज उसका हो जाता था। अब क्या करते थे कैसे करते थे ना मुझे पता, शायद ना आपको पता होगा। अब वो सिद्धि थी या क्या था क्या नहीं था ये वो जाने, लेकिन ओपरे पराए का इलाज गारंटीड हो जाता था। दोबारा अक्सर शिकायत नहीं मिलती थी कि हाँ वो दोबारा हो गई बीमारी समस्या, ऐसा नहीं। तो ओपरे पराए का भी गारंटीड इलाज उनके पास था। और मैं कह सकता हूँ कि भक्तों के भगवान थे, और श्रद्धालु भगत तो भगवान कहने संकोच करेगा नहीं। काव्य शास्त्र में भी ऐसा ही चलता है कि कवि लोग जो है बड़ा चढ़ा करके किसी को भगवान की उपमा दे सकते हैं। तो लोगों की आस्था के अनुसार वो भगवान की तरह थे, और उनका हस्तक्षेप हर क्षेत्र में था, राजनीतिक हो सामाजिक हो प्रशासनिक हो। मैं 1993 में पहली बार राजस्थान में आया था, जब आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज का चादर महोत्सव आचार्य पद का उदयपुर में था। तो दिल्ली से जब मैं चला तो रास्ते भीलवाड़ा आया, तो भीलवाड़ा में एक कार्यक्रम था, ये तो याद नहीं किस चीज़ का था, लेकिन कार्यक्रम था, लगभग 5-6 हज़ार लोगों की भीड़ होगी। तो वहाँ कोई पुलिस का उच्च अधिकारी शायद IPS लेवल का था, तो वो भी आ गया भरी सभा में, उसको लताड़ा कि जब तेरा काम था तो तू आगे पीछे घूम रहा था, और तेरा काम निकल गए तो आज शकल दिखा रहा है। वो भी जी महाराज कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है। आप देखिए कि पुलिस के उच्च अधिकारी को डांटना डपटना हर किसी की बात नहीं है, हिम्मत की बात नहीं है, लेकिन उन्होंने डांटा डपटा, मैंने देखा कमाल है भाई। और वहाँ MLA पार्षद पंच सरपंच, कोई किसी काम के लिए कोई किसी काम के लिए, कोई ट्रांसफ़र के लिए, कोई उत्पीड़ित है अपनी समस्या लेके उसके लिए, सब आते रहते थे। सब हाथ जोड़ जोड़ के नतमस्तक होते थे। दुनिया चंद्रा स्वामी के सामने झुकती थी, चंद्रा स्वामी उनके सामने झुकता था। एक फ़ोन करवा दिया तो चंद्रा स्वामी भागे आते थे, फला कार्यक्रम में आना है, हाँ महाराज मैं आ रहा हूँ। इस प्रकार उनका बड़ा योगदान रहा है, बहुत सारे काम किए हैं। और श्रवण संघ में कहीं गाड़ी अटक गई तो गाड़ी को धक्का मार के आगे निकालने का काम उनका रहा करता था, बड़ी निर्णायक भूमिका रही है। जब पूना में साधु सम्मेलन चला और युवाचार्य उपाचार्य को बनाने को लेकर थोड़ी सी बात अटकी, तो वहाँ पर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा करके बीच का रास्ता बना करके समस्या को हल करवाने में काम किया। और आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज जो हमारे वर्तमान आचार्य हैं, उनके शासन काल में कहीं कोई बाधा आई, चाहे वो मतभेद किसी प्रकार के भी रहे हों, तो भी उन समस्याओं के हल करने में योगदान रहा। ठीक है कि थोड़ी सी बाधाएं आई, लेकिन कुछ समय के बाद वो बाधाएं दोनों पक्षों में थी, इधर आचार्य श्री जी थे उधर रूपचंद जी महाराज साहब थे, और समय आया तो चीज़ों को ठीक भी कर दिया गया अपनी सूझबूझ के द्वारा। और जब जब राजस्थान मारवाड़ में किसी
अवसर पर कोई जयंती या महावीर जयंती किसी गांव में मनाई, वह गांव में जैन घर थोड़े हैं या बाहर प्रदेशों से वो लोग उस अवसर पर आए हैं, तो गांव में 36 कौम का खाना हो जाया करता था। मुस्लिमों के 200 घर हैं, आप अपना अलग खाना करो, पैसा ले लो, लेकिन उस दिन इतने दिन तक मांसाहार नहीं होगा, शाकाहार में रहना है। राजपूत ब्राह्मणों का खाना अलग। तो इस प्रकार से एक उदार दृष्टिकोण उनका था। हालांकि उनके कहने पर लोग 36 कौम का खाना करा देते, लेकिन आम आदमी, आम साधु कहे तो महाराज क्यों फालतू खर्चा करा रहे हो, अपनी तक ठीक है, खैर अपना अपनी पुनवानी है और उसमें तुलना करना कोई औचित्य भी नहीं है। और इस प्रकार आप लोगों में पूजनीय बन गए और लोकमान्य संत आप कहलाए, और वाकई में आप लोकमान्य संत थे। सबको आप आदर देते थे, सब आपको आदर देते थे। समय आने पर चतुर्वेद संघ ने आपको शेरे राजस्थान कहा। गौशालाओं के विशाल कार्य करने की वजह से राजस्थान के नाडोल क्षेत्र के अंदर उनकी जन्मभूमि पर आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज ने अहिंसा दिवाकर कह करके आपको सम्मानित किया और आपकी गजब की सारणा वारणा थी। गजब की सारणा वारणा थी। संत साध्वी किसी भी परंपरा का हो, उसकी सार संभाल, चातुर्मास करवाना, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, उसको हल करवाना, इस प्रकार का आप करते थे। और कोई दुखी आ गया, रोता पीटता आ गया, तो शरणागत की रक्षा भी करा करते थे। कोई बात नहीं, ठीक करवा देंगे, सब अच्छा हो जाएगा। अनेक संत जो श्रमण संघ से बाहर अनेक संप्रदायों के थे, वहाँ किसी वजह से कोई कारण बना और वह अकेले पड़ गए, या उनको निकाल दिया या वो निकल गए, उनको भी अपनी शरण में लेना और उनको भी सम्मानजनक तरीके से जीवन को बनाना, ये विराट दृष्टिकोण उनका था। और अनेक कट्टरपंथी विचारधाराओं के संप्रदायों के लोग और साधु साध्वी रूपचंद जी महाराज साहब से घबराया करते थे, फालतू पंगेबाजी नहीं लिया करते थे, उनका रोब दोब ऐसा ही था। एक चीज़ और शिक्षा लेने वाली है, वो साधु समाज भी शिक्षा ले। सैकड़ों संस्थाओं का निर्माण करवाया, करोड़ों का दान दिलवाया, लेकिन स्वयं या अपने संतों को उन संस्थाओं में कैश के ऊपर इन्वॉल्वमेंट नहीं होने दी। इन्वॉल्वमेंट जो थी वो श्रावक वर्ग की थी और होनी भी चाहिए। तो साधु की धन के मामले में इन्वॉल्वमेंट सीधी ना हो, प्रेरणा दे, आया संस्था के पास, गया संस्था ने काम कर दिया, बात खत्म। साधु तो एक निगरानी कर सकता है, लेकिन साधु उसमें सीधा डायरेक्ट जो है उसमें ना जुड़े, ऐसा उन्होंने अपने जीवन काल में किया और अपने संतों को भी उसमें डायरेक्ट जो है इन्वॉल्व नहीं होने दिया। आपका भी जीवन सर्वतोभद्र जीवन रहा, प्रबल पुनवानी रही, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ वर्तमान में कोई साधु साध्वी रूपचंद जी महाराज की पुनवानी को देख समझने के बावजूद उनके जैसा बनने का, रोब दोब गांठने का और लोगों से हल्की भाषा में बोलने का काम करे तो वो उचित नहीं है। नकल अलबत्ता तो करनी नहीं चाहिए, और ये देखे कि उनकी पुनवानी और मेरी पुनवानी में कितना अंतर है, वो क्या थे और मैं क्या हूँ। तो ऐसी होड़ा होड़ी जो लोग करते हैं वो नुकसान में रहते हैं। अपनी आदत को हम ऐसी शालीन बनाएं, अच्छी बनाएं। कई बार होड़ा होड़ी में आदमी हाथ जला लेता, नुकसान कर लेता है, वो काम नहीं करना चाहिए। करोगे तो समय आपको बदल देगा। तो समय बहुत बलवान होता है, हर व्यक्ति अपनी ताकत को समझे। तो आज के इस प्रसंग पर उन दो दो महापुरुषों का आप और हम सभी यहाँ तो स्मरण कर ही रहे हैं, सब जगह उनका गुणगान हो रहा है, उनके महान व्यक्तित्व की आप और हम सभी अनुमोदना करते हैं, उनके पावन पुनीत पावन चरणों में अपने हृदय की अनंत गहराइयों के साथ वंदन नमन करते हैं, और इन महान पुरुषों का संग समाज पर जो उपकार है उसको बारंबार स्मरण करते हैं कृतज्ञता के साथ। तो मैं अपनी बात को यहीं पूर्ण करता हूँ।